मेवात जिले में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में पुलिस ने लोगों को नियमों का पालन करने के लिए पूरी सख्ती के साथ काम किया। पुलिस विभाग ने लॉकडाउन के दौरान 99 मुकदमे दर्ज किए हैं तो 66 लोगों को गिरफ्तार करने में भी सफलता प्राप्त की है। डीएसपी अनिल कुमार ने पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन के दौरान 833 वाहनों को इम्पाउंड किया गया। इसके अलावा 525 वाहनों के चालान काटे गए। फिलहाल चालान के माध्यम से तकरीबन 19,500 रुपये की राशि जुटाई गई है। डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि जब लॉकडाउन का पीरियड समाप्त हो जाएगा और इम्पाउंड किए गए वाहनों को छुड़वाने या चालान भुगतने के लिए उनके मालिक आएंगे तो विभाग को इससे लाखों रुपए का राशि जुटने से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर लॉकडाउन का जिले में सख्ती के साथ पालन हो रहा है। सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। यही कारण है कि मेवात जिले में इतने बड़े पैमाने पर वाहनों के न केवल चालान काटे गए बल्कि उन्हें सीज तक कर दिया गया है। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान अभी तक 99 केसेस रजिस्टर किए गए हैं और 66 अरेस्ट की गई हैं। टोटल व्हीकल 833 जो हैं वो सीज हुए हैं, 525 चालान किए हैं और जितना ये अभी फाइन है वो 19,500 रुपये उनसे अभी तक बरामद किया।